सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है यश कंडारी। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज है दीपावली का दिन, तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी इस दीपावली को मना रहे होंगे। बाकी इस बारी तो खैर हमारी दीपावली है नहीं, लेकिन चलो होता है कभी कभार, ऐसा भी हर त्यौहार है, आते जाते रहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज अभी वीडियो की शुरुआत ठीक सुबह की 11 बजे से हो रही और ना जो मौसम है आज का बहुत ही बढ़िया, धूप खिली हुई है, हालांकि थोड़ा बहुत धुंध देखने को मिलती है। बाकी जो धान की कटाई है ना वो भी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ते में जो धान की कटाई है ना यहाँ पर पूरी तरह होने वाली है। तो ना आज नानी को भी ले जाना है हॉस्पिटल दिखाने के लिए। देहरादून से अंकित भी पहुंचने वाला होगा, फोन आया था उसका कि बोला 1.5 से 2 घंटे में पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी देर में पहुंचने वाला रहो। तुम कौन बोला फटाफट तैयार हो सके बोल रहे कौन कहीं फोन सब है इधर रखा गया है गर्म पानी कंटर में। मैंने तो नहा लिया है, तूने भी नहा लिया ना? कहा बड़ा हूँ फिर मजार बैठे लियो तब काटना है। हाँ मैं काट के ही खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ऐसे ही काटूंगा। काटू तू भी नहीं खा रही ना? पक्का तो ना पापा जी इनको लेने के लिए गए थे पीरमदार। दरअसल जो मशीन के ब्लेड है ना वो घिस के खत्म हो चुके हैं, तो अब इनको रिप्लेस करना है। पैया ले आई नहीं रहा तुम कटन बिचिल। तो पहले ना मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी गायियाँ होती थी, तो उनके लिए देखो कितनी बड़ी घास काटने की मशीन लगाई हुई थी। वैसे ये मैनुअल भी आती है, यानी कि 1-2 गायों के लिए तो मैनुअल भी काट सकते हैं। देखो घास कैसे काट रही मशीन, यानी ये पूरा बेकार कर दे रहा घास को। इस घास को पूरा इकट्ठा कर दे, ठीक है? तेरे से बड़ा तो झाड़ू ही है, भारी तो नहीं हो रहा है? डुबू मत कर यार, लग जाएगा इससे। रहन दे, वहीं रख जहाँ था, उल्टे काम है। जाओ घर में जाओ, पढ़ाई करो दोनों। तो ना टाइम ठीक 1 बज चुके हैं और अंकित भी पहुंच चुका है। अब नहर में घुसा दी थी पर भाई साहब आ गए। और भाई साहब नमस्कार। भाई साहब ठीक ठाक? नमस्कार किले आखा कम दिखे ना जी बल में बलते रहा। बड़े आर्चन वीडियो में घुसायल छावेल ना दी मैम। और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर थाने इंचार्ज है, थाने इंचार्ज पटेल नगर के शिव सिंह चौहान है। रुको क्या एक फोन आयो दादी मामा। अच्छा क्या सर तू बिसर गया था क्या है? अच्छा मीठे के डब्बे। ए गाइस ये मीठा डब्बा भी चाहिए दिवाली को। क्या तेरा ख्याल तो नहीं था? इससे कोई भरोसा नहीं खा जा सकता, बड़ा बेशरम आदमी है। तो ना गाइस अभी के टाइम 2:30 बज चुके हैं, लंच वगैरह हो चुका था अपना और अब जाने लगे हॉस्पिटल नानी को दिखाने के लिए। तो अंकित भी पहुंच गया था टाइम पे। तो आज हम कालू भाई के साथ जा रहे हैं रामनगर काशीपुर। फिर बोलने लग गया तो कालू भाई, मतलब देख लो जरा कितना फर्क है दोनों में, है नहीं काला? स्मार्ट होना कमेंट करना कौन सी स्मार्ट। गलत फहमी है तुझे यार। और नानी बैठी है पीछे, उल्टी दुनिया आने से अरे दुनिया बोलना उसी से खोल देना।
यदि उल्टी आला तो बता दे मिता। हाँ मिसी जमील एसी खोल रहा है अभी, एसी खोल थोड़ा गर्म हूँ मैंने ज्यादा। तूने दरअसल नानी जी जो है 1.5 महीने पहले चारपाई से गिर रही थी, इनका जो पैर है ना फ्रैक्चर हो चुका है, चल भी नहीं पा रही नानी, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और वो भी बुढ़ापे में, क्या ही कर सकते हैं ना। हरिद्वार में क्या करना तुम हरिद्वार में अभी बादल तो नहीं चुना वक्त बुढ़ापे में देखो परेशान हो जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं ना, सबसे गंदा है बुढ़ापा। वही तो, हमें तो खैर मजाक लग रहा है लेकिन धीरे धीरे हम भी जाने वाले उस चीज पे। तूने मेरे घर से और काशीपुर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम हैं फिरुमदारा से 4 किलोमीटर आगे, वही 15-20 मिनट लगने वाले हैं। खैर ट्रैफिक आजकल बहुत ही ज्यादा हो रखा है इस वाली रोड में। और सुना भाई, और बस कुछ नहीं, कट रही जिंदगी है, कट रही है जिंदगी, जिंदगी तो खैर सबकी कट रही है। और देखो भाई मेरे लिए चश्मे ला रखे हैं, बोला तुम लोग के अच्छा नहीं दिखता है, अरे बन के भाई 2000 के लिए 2000 99 के भी पूरे नहीं होंगे मुझे लग रहा है ना। नहीं यार 99 वाले नहीं है। तो गाइस कैसे लग रहा हूँ चश्मे, जरा एक बार कमेंट कर दो, कवर भी है वहाँ 11 का, वरना मैं ही रख लेता हूँ फिर, है ना, दे देगा तू? हाँ कमाल ही है पक्का, मान ले लेके आ रहा स्पेशल अभी। चल ठीक है भाई, 11 के शोरूम में गया था फिर मजा आ रहा है राम नगर में। लो भाई पहुंच गए ठीक काशीपुर से पीछे, यहाँ पर ही बन रहे फ्लाईओवर ना जाने कब से, पर अभी तक तैयार नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे तैयार होना ना, ट्रैफिक ज्यादा है, आरओ भी बन रहे। अभी नानी को एक्सरे रूम में ले जा रहे हैं एक्स्ट्रा करवाने के लिए, देखते हैं कुछ फर्क पड़ रहा होगा तो ठीक है, बाकी डॉक्टर बताएगा क्या और करना है। दर्द करने से क्या दर्द से टाइम लगा बोला बहुत ज्यादा, अरे तो गर्म कन के देखण तब कल देखण दर्द मारी को ना बैक कर दे, एक्स्ट्रा होके आ चुके है तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ रही देखने के लिए, क्या बतन दी बोलता है ना, क्या बता तब डॉक्टर है ना देख ला पलटे है ना, हाँ इना तब उन पड़े ला, हाँ ही नहीं रहे। अब तू रहे दादी के साथ में ठीक है 1 महीने कम से कम, अरे यार हंस क्यों रहा है, अरे यखी रहन पड़ा ले भी वो मना कर बस, अभी देख लो अभी रुक जाओ कार बड़े पी रहे हैं लेवन बॉटल दिया खाने कार जान पे रखी लेवन, अब तो नानी ने जीत पकड़ लिया, बस मरना है तो मरना है ना, अब और निजी आ जा रहा बोल, अरे तू तो अभी से रोने लग गया है, इंजेक्शन है केक इंजेक्शन दर्द को, अरे तो सिर्फ दिखा के लगाना दर्द तक दर्द, एक दिन का दर्द रहे तू लगा दिन तो हमेशा दर्द हो गया ना, ठीक हो रहा जरा सीख जो वाला वो मत जरा जुड़ गया वाला। हाँ फिलहाल अब जाने लगे नानी को दिखा के, अभी डॉक्टर साहब बता रहे कि 1.5 महीना और लगने वाला है कम से कम, खैर 1.5 महीने की दवाई भी दी है उन्होंने और बाकी बोला क्या वो आकर से चलना पड़ेगा, और हम आ गए हैं कहाँ आ गए अभी तो काशीपुर में है ना, काशीपुर से निकल गए हैं और वाकर से थोड़ा थोड़ा जो है वजन रखना पड़ेगा पैर पे, वो जला बल से अब वो जला बल 1.5 महीना और लगा लो भाई साहब से ले लिया हमने एक रैक बुक रखने के लिए, और मैंने ये ले लिया अपने लिए बैठने के लिए, इसमें बैठेगा तू बैठने के लिए, हाँ बैठेगा, अच्छा स्टूल है, अच्छी अच्छी चीजें हैं आराम से, हम्म, जब आप आओगे तो काशीपुर से रामनगर जाते के टाइम ही, काशीपुर से 5 से 6 किलोमीटर आगे होगा ना, हमेशा यहीं रहते हो 12 महीने, अच्छा कहाँ से लाते हो बना के, बाहर से आता है, बाहर से आता है, आप खाली सेल करते हो बस है, खाली ऑनलाइन हो जाएगा पेमेंट, जैसे आपके दो दोस्तों हमने ये 1000 रुपये में ले लिया है अंकल से।
ठीक ही है यार, उनकी मेहनत भी तो है। लोग भी आना अंकल मेरे। तो रही इन तीनों की जीत पे, देखो पटाखे भी लाने पड़े, खैर ज्यादा नहीं ला रखे, फुलझड़ी वगैरह है कुछ घिरनी है और एक आध इसका ही शॉट है, आराम से। सानो आग से दूर रखियो। हाँ The next morning. तो ना दीपावली के अगले दिन देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा धुंध हो गई है, तो ये धुंध ना सब पटाखों की वजह से हुई है, बाकी खैर मौसम भी काफी ठंडा हो गया यहाँ पे। और ना कल भैया भाभी और उनके बच्चे भी आ गए थे दीपावली के लिए। तो भूली नहीं उठी अभी? नहीं उठी। अच्छा हाँ। दीपावली कैसे रही फिर? दीपावली तो बहुत ही रही। कितने पटाखे फोड़े? बोल मैं अनार फोड़ा। हाँ। फिर जाई थी। हाँ। रॉकेट फोड़ा था। अच्छा। रॉकेट बाबा और के साथ फोड़ा था। और यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बस ये दोनों परेशान कर रहे हैं। सच में कर रहे हो दीदी को परेशान? नहीं सानू कर रही है। सानू मत करो। कोई नहीं, दो चार दिन के लिए आई तो परेशान कर भी लेंगे तो क्या दिक्कत है। फिर मैं नाना के घर जाऊंगी कल तो। हैं? और वापस कब जाओगे दिल्ली? दिल्ली 12 तारीख। 12 तक छुट्टी है तुम्हारी? नहीं तो मेरे को 3 तारीख को, मतलब वो तो 4 तारीख को स्कूल जाना था मेरे को। अच्छा, तुझे कैसा लग रहा दीदी के साथ? अच्छा लग रहा है। कुछ बोल भी ले तुझे टूको। इधर जो मैंने प्याज बोए थे वो भी जमने शुरू हो गए, देखो अभी तो कितने घने जमे पड़े। और आज नाश्ते में मंडवे की रोटी और साग की बनस तड़ू है बा बनानस दे ते मंडो का बटाई कदा भाई। और बन रही है चूल्हे में, तो मंडवे की रोटी अगर चूल्हे में बने तो अलग ही टेस्ट होता है भाई। बना रही। अच्छा बना रही। हाँ। बना रही। क्या बोल रही सानू? और ना तेन देखो कदर आना, दो बिटिया मेरी है और दो भाई साहब की, तो सबसे बड़ी वाली ये है, उसके बाद उधर वो डुग्गू है, उसके बाद ये है और एक आदू जो है शोर की है। तो गाइस चाचा आपको बता देंगे कि कैसे शोर है। आदू आदू, अरे तू तो खराटे ले रही है, तू ना देखो अभी तक आदू भी नहीं उठी है, बढ़िया सी गहरी नींद में सो रखी हो। उठ जा आदू, उठ आदू। तो इधर भाभी जी बनाने लग गई है तड़ू की सब्जी, इधर गई सीधी दिखे कदर से। अच्छा ये बचा रखे, तो दरअसल आज बहन भी आने वाली है तो ये तड़ू बचा रखे उनके लिए। खीर बन गया, खीर इसमें बना रखा है, ये देखो बढ़िया से। तो चीनी मांग चुके हैं गुड़ नहीं सा? ना। इसमें बनेंगे अब तड़ू। और अभी तक नानी की नींद भी नहीं खुली है, क्या बात नानी नहीं खुलने की नींद? दर्द कर मत ज्यादा तो ना, जब से नानी को हॉस्पिटल दिखाए तब से बता रही कि तो पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द है, दोबारा चलो ना क्या? इन्हें उन्हें तो नहीं हिल गयो? या बड़ी गयो
इसु हाँ? नाच मत ऐसे कर, थोड़ा गोबर की सफाई तो कर दे। ठीक है गोबर की सफाई नहीं करती। अरे दूध नहीं पीती क्या? नहीं। और यहाँ देखो पापा जी भर रहे पानी गायों के लिए। हाथ खिलाऊंगी। मत दे, चारा कटेगा उसका रहने दे। छोड़ो ना, YouTube में अच्छा बनने के लिए करना पड़ता है। दोनों अभी के टाइम कन्याओं को भोजन दे दिया गया है। कैसा बना है सानू? अच्छा अच्छा बना है। बहुत तड़ू भी खा रही है? तड़ू तो खा रही हूं। घी भी देना है क्या? नहीं घी नहीं बना रही। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर सानू रहने दे, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये दोनों मना कर रहे हैं ना। चला तो तू नहीं खा रही खाना, चल आ जा, चलो बोल खाना खा लियो। दरियालो हाथ मुंह धो ले तूने हैं? तो चलो भाई सबसे छोटी कन्या को भी खिलाते हैं खाना। अभी अभी उठी है। आदु का हाथ मुंह धोए ले दी। ले आदु, ये तेरे लिए। खा लेगी? खा। तो ना गाइस अपना ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और अभी के टाइम मैं और पापा जाने लगे हैं कैंटीन। तो यहाँ से जो हमारा नज़दीकी कैंटीन पड़ता है वो पड़ता है गौशाला में। और फिलहाल रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। कैसे लगी वीडियो, वीडियो को शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। चलो बाय, नमस्ते।